हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्या सचिन चैनल। तो गाइज, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं जो है बायोलॉजी का नोट्स बनाता हूँ, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट होगा और ये आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा और ये प्रोडक्टिव भी होगा। क्योंकि गाइज, मैं भी स्टार्टिंग में आप ही की तरह, मतलब कि सर जो लेक्चर में लिखाते थे नोट्स, मैं उसी को लिखता था और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था। उसके बाद उसे रिवीजन करने में भी 3-4 घंटे लगते थे, क्योंकि एक एक मतलब चैप्टर के 30-40 पेज के नोट्स होते थे, तो उसे रिवीजन करने में लगभग 3-4 घंटे लग जाते थे। उसके बाद फिर एनसीईआरटी को रीडिंग करने में 2 घंटे लगते थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी जाता था। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह देखा, उसके बाद समझा कि किस तरीके से बनाना नोट्स सबसे बेस्ट रहेगा। उससे क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस तरीके से नोट्स बनाता हूँ ना, उससे काफ़ी टाइम भी मेरा सेव हो जाता है। तो वो मैं आपको एकदम बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से बनाता हूँ, और आपको मैं शो भी करने वाला हूँ कि मैं एक चैप्टर का, लाइक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो चैप्टर है, उसका मैं शो भी करूंगा कि किस तरीके से मैंने नोट्स बनाया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो आपको पता ही होगा कि बायो अगर आप पढ़ रहे हो तो बायो में आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब कि आपको पढ़ना ही है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं नीट में। तो अब गाइस बात आती है कि टोटली बेस्ड होता है नीट आपका एनसीईआरटी बेस्ड, और गाइस जो भी नोट्स में पढ़ाया जाता है, लाइक तरुण सर जो बोटनी में नोट्स लिखाते हैं, वो टोटली बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे, और इवन सिक्वेंस भी पूरा मैच्ड रहता है। तो जो भी सर लिखाते हैं ना आपको, लाइक जो भी आपको लाइक सर लिखाते हैं नोट्स, तो वो पूरा बेस्ड होता है। तो गाइस, इसलिए मैंने सोचा कि यार एनसीईआरटी में ही बनाना सही रहेगा। और ये मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर के जो भी टॉपर्स हैं उनके भी इंटरव्यूज देखे थे, उसमें भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि हम एनसीईआरटी में बेसिकली नोट्स बना लेते थे, इससे हमारे लिए सही रहता था, फास्ट हमारे लिए काम हो जाता था और रिविजन में भी काफ़ी कम टाइम लगता था। बेसिकली होता क्या, देखिए जैसे कि होता है कि हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स 30-40 पेज के होते हैं, तो उसे हमें रिवीजन करने में आराम से 4 घंटे लगते हैं, फिर हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना होता है, उसे पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं। और इससे क्या होता है कि मैं इजिली 2-2.5 घंटे में कोई भी चैप्टर रिवीजन कर लेता हूं, क्योंकि इसी में सब कुछ कंप्रेस्ड वे में रहता है। और गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं बनाता कैसे हूं नोट्स, तो आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लाइक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। तो उसमें मैं बेसिकली जब भी सर पढ़ाते हैं लेक्चर में, तो सीक्वेंस वाइज सर पढ़ाते जाते हैं, तो जो भी मेरे को लाइन दिखता है उसे मैं अंडरलाइन करते जाता हूं। एंड उसके बाद जो है लाइक बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, तो वो भी सर लिखाते हैं, तो उसे भी मैं जो है लिख लेता हूं अगर साइड में स्पेस है तो, अगर नहीं है तो आप एक स्टिकी नोट्स जैसा खरीद लें। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये है स्टिकी नोट्स, इस तरीके का कलरफुल में भी आता है, तो वो आप लगा लें जिससे कि और भी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, एंड जो आप रिविजन करोगे तो आपके लिए और सही रहेगा। तो वो आप कर सकते हो, इससे आपका मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट भी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ रहेगा, एंड आपका पूरा नोट जो है कंप्रेस्ड वे में एनसीईआरटी में ही चैप्टर के अंदर बन जाएगा। तो इस तरीके से फिर आप जब रिवीजन करोगे तो आपके लिए काफ़ी टाइम भी सेव होगा एंड काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। तो गाइस, मैं कुछ इसी तरीके से फॉलो कर रहा हूं। बेसिकली इस तरीके से मेरा नोट्स भी बहुत आराम से बन जाता है, मतलब कि आराम से मैं समझ भी लेता हूं। नहीं तो कभी कभी क्या होता था, बोटनी का या किसी जूलॉजी का मैं नोट्स बना रहा हूं, तो उसी को लिखने में रह जाता था, एंड कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट सुन नहीं पाता था, फिर उसे लेक्चर को देखना पड़ता था उस पार्ट को। तो इसलिए इसमें क्या होता है, मैं इजिली समझ भी लेता हूं, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता, मेरे केवल अंडरलाइन कर लेता हूं, और जैसे कि एक दो पॉइंट लिखाया लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट, तो उसे मैं इजीली लिख लेता हूं साइड में। अगर आप इसे फॉलो करोगे, एक चैप्टर के लिए फॉलो करके देख सकते हो, अगर आपको हेल्प होगी तो सही है, और अगर होगी तो यार बता सकते हो कमेंट में, और काफी लोग को नहीं भी हो सकता है हेल्प, तो आप वो नहीं फॉलो करना, लेकिन एक चैप्टर के लिए आप ये फॉलो करके देखें, उम्मीद करूंगा आपको जरूर हेल्प होगी। और अच्छा लगा हुआ वीडियो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।